हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले की सब्जी। भरवा करेले बनाने के लिए हमने छोटे साइज के करेले ले लिए हैं। इनको हम धो लेंगे और धोकर छील लेंगे। ये देखिए, हमने इनको छील लिया है और लंबे लंबे कट लगा लिए इसमें मसाला भरने के लिए। ये देखिए, सारे करेलों को हमने इस तरीके से कट लगा लिया है। अब हम इसमें नमक लगा के कुछ देर के लिए रख देंगे। इस तरह से हम लगभग एक चम्मच इस पे डाल देंगे और अच्छे से मसल के इनको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हम इनको रख देंगे, ताकि ये थोड़े नरम हो जाए और इनमें थोड़ी कड़वास जो होती है वो निकल जाए। इसके जो छिलके हैं वो भी हमने फेंके नहीं है, अलग रख लिए हैं। इसमें भी हम नमक डाल कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए, ये कैसे नरम हो गए हैं और पानी छोड़ने लग गए हैं। नमक लगाने से इनमें थोड़ा कड़वापन कम हो जाता है। ये देखिए, अब हमने इनको धो लिया है और हाथों की सहायता से दबा दबा के इनका जो रस है वो निकाल दिया है, निचोड़ लिया है इनको, और इसके छिलकों को भी अच्छे से धो के पानी से नमक जो था वो निकाल दिया और निचोड़ के इसको अलग रख देंगे। अब हम मसाला बनाएंगे। एक चम्मच हम हल्दी लेंगे, लगभग 1.5 चम्मच हम लाल मिर्च लेंगे, 2 चम्मच। नमक अपने स्वाद अनुसार, आधी चम्मच के करीब इसमें अमचूर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले को हम करेलों में भर लेंगे। सभी करेलों में हम इस तरह से मसाला भर लेंगे। अब हम पैन गरम करेंगे। इसमें लगभग 1 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम जीरा डालेंगे। एक एक करके करेलों को हम इस तेल में छोड़ देंगे। थोड़ा सा हम इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। फिर से हम इसको एक बार ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए, करेले हमारे फ्राई होने लग गए हैं। इनको हम थोड़ा सा उलट पुलट देंगे। ताकि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए, लगभग 2 मिनट के लिए और हम इसको ढक देंगे। 2 मिनट बाद में देखिए, ये फ्राई होने लग गए हैं।
अब हम इसमें जो छिलके थे करेले के वो डाल देंगे। और 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि छिलके भी अच्छे से पक जाएं। अब जो हमारा मसाला बच गया था वो हम इसमें डाल देंगे और पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। 1-2 मिनट में ही पक जाता है ये मसाला। ये देखिए करेले की सब्जी हमारी तैयार है। अब हम गैस बंद करके और इसको लगभग 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा और नरम हो जाए। करेले हमारे तैयार हैं। तो आपको रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।